क्या किया है? और बेटा फड़ाक दिया है विराट कोहली ने। क्या किया है? पकड़ के घंटा बजा दिया है। क्या किया है? और पकड़ के घंटा बजा दिया है घंटा। अब बताओ क्या किया है? 4900 स्कोर किया है। क्या किया है? मुझे एंजॉय कर लेने दे। 4900 स्कोर किया है। किसने किया है? माय फेवरेट विराट कोहली। विराट कोहली क्या बात है, मतलब कि विराट कोहली भाई साहब ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई ऐसी टीम होगी भाई जो विराट कोहली को रोक सकती है? नहीं। कोई ऐसा बॉलर होगा भाई जो विराट कोहली को रोक सकता है? नहीं। सेंचुरी बनाने से? नहीं। बात सीधी सी ये है कि भैया जब ट्रिकी सिचुएशन होगी और मुश्किल होगी और गर्मी होगी तो वहां पर 205 मिनट एक ही आदमी खड़ा रह सकता है जिसका नाम है विराट कोहली। कितने मिनट? 205 मिनट। ये तो ओवर खत्म हो गए तो जाना पड़ा। जेनसन को 94 रन पड़े हैं। और अभी दो बॉल है, अगर वो नगीदी की जगह चार बॉल है, छह करता नगीदी की जगह ओवर पूरा तो आप देखते 100 वो भी मारता आज तो सेंचुरी उसके भी साथ हो जाना। अदा पर से बेटा मेरे से बेहतर एनालिसिस क्रिकेट के कोई कर ही नहीं सकता। कोई के दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ और पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया में कोई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? घंटों और मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। बेटा रन देखो कोहली के। अगर बाबर आजम ऐसी 100 करता तो अबे इतनी फिटनेस होती तो होती तो के साले पता नहीं कहाँ से निकल कर आते बीकेएल एमसी बीसी मारो तुम्हारा एम पे रखे में है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये? जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा है जिसमें भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए 327 रन का लक्ष्य दिया जिसमें विराट कोहली ने आज अपनी 49th इंटरनेशनल वन डे सेंचुरी बना ली और सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली। इस सेंचुरी का इंतज़ार काफ़ी दिनों से किया जा रहा था। अब उम्मीद है कि इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली अपनी 50वीं सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेगा और इस बैटिंग के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी विराट कोहली की तारीफ करते नज़र आए और उन्होंने तो वैसे माना ही हुआ है कि विराट कोहली क्रिकेट का अबू है और उनका बाबर आजम घंटे का किंग है। पता नहीं फिर भी क्यों कई पाकिस्तानी बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते रहते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद जय भारत। क्या किया है? 4900 स्कोर किया है। क्या किया है? मुझे एंजॉय कर लेने दे। 4900 स्कोर किया है। किसने किया है? माय फेवरेट विराट कोहली। विराट कोहली क्या बात है, मतलब कि विराट कोहली वाले भाई कोहली लगा दो दिल कर रहा कि भंगड़े यहां पे डाले। क्या बात है, मतलब कि इस खिलाड़ी की ओडीए की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा हंड्रेड्स मारने वाला ये बंदा बन गया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली दोनों हाथों का सल्यूट है भैया, आपको तो दोनों हाथों का सल्यूट है। क्या खिलाड़ी है। लोग कहते हैं कि वर्ड्स होते हैं विराट कोहली को एक्सप्लेन करने के लिए, वो मिलते नहीं है। मैं कहता हूँ कि वर्ड्स है ही नहीं, इसके लिए बने ही नहीं है। ये ऐसा खिलाड़ी है कि इसको लफ्जों में बयान किया ही नहीं जा सकता। क्या खिलाड़ी है रिजवान भाई, देखे जरा आप, आज पिच भी खतरनाक था, खिलाड़ी आपके चले नहीं। क्या सेंचुरी मारा है विराट कोहली भाई साहब, ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई ऐसी टीम होगी भाई जो विराट कोहली को रोक सकती है? कोई ऐसा बॉलर होगा भाई जो विराट कोहली को रोक सकता है सेंचुरी बनाने से? ऐसा लग रहा है कि भाई सेंचुरी बनाना इस बंदे की आदत हो चुकी है, इस बंदे को आदत हो चुकी है। इससे भूख नहीं लगती है, इससे नींद नहीं आती है जब तक ये बंदा सेंचुरी ना बना ले। और आज फिर से लेजेंड कोहली ने जो है वो सेंचुरी बना लिया। विराट कोहली ने 49वीं ओडीआई की सेंचुरी और जो है साथ में 79th जो है सेंचुरी विराट कोहली ने बना ली। और क्या कमाल और लाजवाब किस्म की जो है विराट कोहली ने बैटिंग की है ना, कि दिल खुश हो गया भाई साहब। कमाल और लाजवाब किस्म की बैटिंग की है। थैंक्स टू रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अगर पहली 24 गेंदों पे 40 करके 5 ओवर में 61 रन का आगाज नहीं देते
तो यहाँ 300 रन बनाने मुश्किल थे, बड़ी मुश्किल विकेट है। लेकिन ये विकेट रात को अंडर लाइट्स अगर स्विंग और सीम हुआ, मैंने तो ट्वीट पे डाला कि ये रबाडा जैसी आया है, इसको कौन सी बॉल आईसीसी ने पकड़ा दी कि स्विंग हो रही है सीम हो रही है। अपनी लेकर आया था, हाँ अपनी लाया था, ये अपनी लाया था। अबे ये जो कह रहे हैं ना कि स्लो थी, ये थी, वो थी, बहुत ठंडा करके खेला, अबे पता भी है तुम्हें हुआ क्या है आज? हाँ। क्या कर रहा था, कौन किसका बॉल ग्रिप कर रहा था? केशु के अलावा क्या शमसी को कोई खेल सकता था? हाँ। अबे अगर वाकई इतनी सस्ती विकेट होती तो क्या रोहित शर्मा छोड़ देते, शिवमन गिल छोड़ देते आज, केएल राहुल क्या छोड़ देते आज, उनको भी तो मौका मिला था। हाँ। बात सीधी सी ये है कि भैया जब ट्रिकी सिचुएशन होगी और मुश्किल होगी और गर्मी होगी तो वहां पर 205 मिनट एक ही आदमी खड़ा रह सकता है जिसका नाम है विराट कोहली। कितने मिनट? 205 मिनट, ये तो ओवर खत्म हो गए तो जाना पड़ा। इस तरह सर्वाइव किया है ना फिर भाई, असल कमाल आज का ये मुश्किल विकेट है, पता ही नहीं है लोगों को। अगर बाबर आजम ऐसी 100 करता तो अबे इतनी फिटनेस होती तो उसने कल बेंगलुरु में रना बॉल खेला है यार, बख्श दो उसको, बख्श दो, इधर आ जाओ। इस रोहित शर्मा का मैसेज ये था कप्तान का कि विकेट मेरी भी गिर गई, और शुभमन गिल की जब विकेट गिरी तो विराट कोहली ने ये ठान ली। देखे अगर ये अय्यर और विराट का पार्टनरशिप ब्रेक हो जाता ना, जैसे कि 105 110 रन पे तीसरी विकेट हथिया लेते ही है, तो बिलीव मी गाइस बहुत बुरा होने जा रहा था। ये पौने 300 क्या ये 250 रन पे पैक हो जाते। केशव महाराज को राइट ऑफ ना करो, जितना उसे फिंगर स्पिन में, वो कोई नवाज तू मेरा मैच विनर टाइप बॉलर नहीं है, वो बड़ा बॉलर बन चुका है और बड़ा बॉलर उसे बनाया गया है कॉन्फिडेंस दे देकर। विराट के खिलाफ उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, बाबर वगैरह और जितने दुनिया के सोचने वाली बात ये है, दुनिया का हर स्पिनर जो है बॉल में कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आ रहा है शमसी। लेकिन शमसी को अय्यर ने बाद में मारा भी। नहीं नहीं अय्यर तो मार ही सकता था ना, आपको पता है। देखिए विराट फंस रहा था, मुझे भी पता है उसके ऊपर। विराट इसलिए नहीं फंस रहा था कि वो खेल नहीं पा रहा था, अबे वो बॉल ही फंसी भी कर रहा था शमसी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इतनी वाइड कोई ले सकता था शमसी से, सब खेल जाते वॉलीबॉल जो शमसी विराट को कर रहा था भारत। अब मैच होगा कि अगर शुरू के 8-10 ओवर इंडिया का सिर्फ जो जो अब तक इंडिया से खेल रहा है, कोई भी पिच हो, स्लो हो, लो हो, स्विंग और सीम से मौत आ रही है और पहले 10-15 ओवर में 3-4-5 विकेटें गिर जाती हैं और टीमें पैक हो जाती हैं। पर आज बुमराह एंड कंपनी का भी बड़ा टेस्ट है।